नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में तथा CBSE की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखते हैं हम, प्रार्थना पत्र सबसे पहले आता है सेवा में, फिर उसके बाद थोड़ी जगह छोड़कर यहाँ पर अल्पविराम का निशान के बाद आता है नीचे लाइन में श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर महोदय के बाद क्या लगता है, अल्पविराम अर्थात कौमा लगता है। इसके नीचे आपके विद्यालय का नाम आएगा, जिस भी आप विद्यालय में पढ़ते हो, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर फिर अल्पविराम लगेगा। इसके बाद देखते हैं हम, जिस जिले में आप रहते हो उसका नाम आएगा, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, अर्थात आपका एक पैराग्राफ खत्म हो चुका है। इसके बाद आता है दोस्तों विषय, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, शिकायती पत्र नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र। विषय के बाद आता है दोस्तों महोदय, महोदय के बाद लगता है क्या, अल्पविराम लगता है अर्थात कोमा का निशान लगता है। इसके नीचे से लिखा जाता है, जो यज्ञ का है इसके नीचे से लिखा जाता है, उपयुक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 11वीं का एक गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी कर घर खर्च चलाते हैं। हम तीन भाई बहन हैं। अतः मेरे पिताजी विद्यालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं। अब पैराग्राफ चेंज होता है दोस्तों, यानी कि हमें इसमें जो अंदर की जो चीज़ होती है, इसमें तीन बार पैराग्राफ चेंज होता है। एक तो हो, ये तो है ही सही, अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप मेरा शुल्क माफ करने का कष्ट करें, अन्यथा मुझे अपना अध्ययन रोकना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सत्र में, मतलब जो सत्र चल रहा है उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करूँगा। अब वापस पैराग्राफ चेंज होगा दोस्तों, मैं आपका आभारी रहूँगा। इसके बाद आता है दोस्तों धन्यवाद, धन्यवाद के बाद आता है विस्मयादिबोधक का चिन्ह, फिर आती है दिनांक, आपको दिनांक के सामने ही लिखना है। और कौन सी गिनती में लिखना है आपको, देवनागरी हिंदी की गिनती में लिखना है, 15/8/2019। इसके नीचे आता है, कुछ बच्चे इसको इधर उठा लाते हैं जबकि ये इधर की साइड आता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग कक्षा 11वीं। इसी प्रकार दोस्तों आप बोर्ड में लिख कर आना, तभी आपको हिंदी में 5 में से 5 नंबर प्राप्त होंगे। कुछ बच्चे इसको सीध में लिख आते हैं, जिस प्रकार अंग्रेजी में चलता है इसी प्रकार हिंदी में भी चला देते हैं, जबकि हिंदी में अलग लिखते हैं और इंग्लिश में अलग लिखते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर मैंने रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन रंग का प्रयोग कर रखा है, तो आप पेपर में एक ही रंग का प्रयोग करके आना, ब्लू का अर्थात नीले रंग से आप लिख कर आना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इन कलर का प्रयोग किया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।